children, welcome to our channel We Always Learner. Today we start the reading of chapter 1 of history in social science of class 6. After finishing the chapter, we will discuss the exercise section. बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. यहाँ हमारे पास चार क्वेश्चन हैं. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. बच्चों, व्हाट का मतलब है क्या. जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं तो हम यह सोचते हैं कि यह क्या है. फिर इसी क्वेश्चन के साथ हमारे मन में उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यह कहाँ से आई है, कैसे आई है और कब आई है. ये सभी क्वेश्चन हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. हिस्ट्री हमें यह बताती है कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था या कैसे हुआ था. अगर हम कोई घटना देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसको जानने की उत्सुकता बढ़ती है कि यह घटना क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कब शुरू हुई. इन्हीं क्वेश्चन से हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती है और हम उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं. इसी तरह से जब रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 ईयर्स एगो, यानी 100 साल पहले. ये देखते ही रशीदा हैरान होती है. वो सोचती है, How could anyone know what had happened so many years ago? कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उसको लगता है कि 100 साल पहले कोई भी नहीं था. उसको लगता है कि किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो अपनी चीजों को या अपनी बातों को कहीं संजो के रख सके. इसी चीज से कुछ क्वेश्चन माइंड में आते हैं, जैसे How do we find about what happened? हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. जैसे अगर हम yesterday की बात करें कि आपने yesterday को क्या किया था, किससे मिले थे, या आपसे किसी दुनिया के बारे में कोई चीज पूछी जाए या कोई जनरल नॉलेज की बात पूछी जाए तो वो आप आसानी से बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि शायद आपने उस चीज को रेडियो में सुना हो, टेलीविजन में देखा हो या फिर न्यूज़पेपर में देखा हो. लेकिन अगर किसी से हम लास्ट ईयर की बात पूछते हैं कि लास्ट ईयर में आपके लिए स्पेशल चीज क्या हुई थी, तो हम स्पेशल चीज को तो याद रख सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें कि हमने लास्ट ईयर में क्या किया था, हम किस किस से मिले थे, ये हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता. हर पर्सन इतनी सारी चीजों को याद नहीं रख सकता. कुछ एक पर्सन हैं जो इन चीजों को याद रखते कि उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था, वो किससे मिले थे. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत बहुत लंबे समय पहले क्या हुआ था, इसके बारे में कोई भी नो अबाउट द पास्ट. अब इस चीज से एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए और क्यों. अब हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमने कल खाया, किसी के साथ घूमने गए या जो भी काम हमने किया, वो सब हिस्ट्री होती है. लेकिन हम उन सभी बातों को, उन सभी चीजों को याद नहीं रख सकते. हम सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रख सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मतलब जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था. इसको पता करने के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इससे पहले हो अबाउट द पास्ट, क्योंकि इतने लंबे ड्यूरेशन की बात याद रखना बहुत डिफिकल्ट है. अगर हम बात करें 100 ईयर एगो, 100 साल पहले की या 1000 साल पहले की,
बात कि उस टाइम क्या हुआ था, तो ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उस टाइम के बारे में जान सकें। इस तरह से जो कल हुआ था, 1 साल पहले हुआ था और 1000 साल पहले हुआ था, ये सब हिस्ट्री है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो इसी बारे में हमारा ये चैप्टर है। व्हाट, व्हाट का मतलब है क्या हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, हाउ कैसे हुआ था और व्हेन कब हुआ था, इन्हीं चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट पास्ट में यानी कि हिस्ट्री में की बात करते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि हम क्या पता लगा सकते हैं, और यही हमारी हेडिंग है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी हम पास्ट के बारे में किस किस चीजों के बारे में जान सकते हैं, जैसे व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर में वो रहते थे। ये सारी चीजें हैं जो हम पास्ट के द्वारा जान सकते हैं कि वो क्या करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव ऑफ हंटर, हम उनके जीवन शैली के बारे में भी जान सकते हैं कि हंटर शिकारी कैसे रहते थे, हर्डर चरवाहे चरवाहे कैसे रहते थे, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, फार्मर्स रूलर्स मर्चेंट प्रिस्ट क्राफ्ट पर्सन आर्टिस्ट म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, ऐसे ही बहुत सारे फार्मर्स मतलब किसान, रूलर राजा, मर्चेंट व्यापारी, प्रिस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन मतलब कुम्हार सुनार लोहार, आर्टिस्ट म्यूजिशियन और साइंटिस्ट मतलब नई नई चीजों की खोज करने वाले, ये सभी लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्ले, हम इससे जान सकते हैं कि बच्चे किस तरह के गेम खेलते थे, द स्टोरीज दे हर्ड किस तरह की वो कहानियां सुनते थे, द प्लेज दे सॉ वो किस तरह के खेल देखते थे, एंड द सॉन्ग्स दे सॉन्ग और वो किस तरह के गाने गाते थे। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं।